हाँ तो रुफ्टेश, वीडियो के अंदर हम JIB लेमिनेशन के IPO के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस IPO के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 1988 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 35 ईयर्स से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि तो जो कंपनी है, ये कंपनी CRGO जो कोर्स होते हैं उसके अलावा अगर हम बात करेंगे CRNGO जो स्टील के कोर्स होते हैं, वो ये कंपनी हमें यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे जो ये कंपनी बनाती है, उतना नॉलेज तो मुझे भी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट का नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, यानी कि जो कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाने का काम करती है, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे यूज़ किए हुए जाते हुए नजर आते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर अगर बनता है तो वहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे लगती है। और अगर आप अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करेंगे, जितनी भी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा कैपेक्स हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट में अगर हम एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर का शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर का हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमें ट्रांसफॉर्मर की बढ़ती हुई नजर आएगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट ये कंपनी को हमें होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझनी पड़ेगी कि आने वाले 1 से 2 साल में, क्योंकि इतना ज्यादा कैपेक्स हमें ट्रांसफॉर्मर में होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे आने वाले 1 से 2 साल में हमें ये भी होता हुआ नजर आएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो कैपेसिटी होगी वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो सप्लाई होगा वो हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे इसका जो ट्रेंड होगा वो हमें फिर से हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आता हुआ नजर आएगा, लेकिन डेफिनेटली 1 से 2 साल के लिए डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 277 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नंबर ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये मार्च 31 का डेटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे उसके 5 महीने बाद ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस अगर हम देखेंगे, अराउंड 20-25% हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी डेफिनेटली और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए होंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कंपनी का कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा खास हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। एक नॉर्मली सी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी अराउंड यहाँ पे 84-85% की यूटिलाइजेशन पे कंपनी का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी की चल रही है। तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे एडिशनल कैपेसिटी से रिगार्डिंग अगर ये कंपनी का IPO आता तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली मार्केट इसको ध्यान में रख के बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी को पी एक्सपेंशन यहाँ पे मार्केट नहीं देगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे 141 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 106 करोड़ से नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम देखेंगे 247 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अराउंड 303 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अमाउंट वाइज अराउंड 56 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, अराउंड 23% हमें यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं के देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी को ग्रो करना है, तो वहाँ पर डेफिनेटली एडिशनल कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी को लगानी पड़ेगी। बाकी उसके अलावा जो नॉर्मली इन्फ्लेशन वाला जो हमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वैसी काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 2022 में हार्डली 5 करोड़ के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर था। अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 19 करोड़ के लगभग का पैड हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, लगभग 6-6.5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो और वो देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर कंपनी के अच्छे, और ये ग्रोथ को देख के डेफिनेटली मार्केट इसे एक बार के लिए ये कंपनी को मार्केट काफ़ी ज़्यादा लाइक करेगा। अब अगर हम IPO की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 27 तारीख को ये IPO में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 तारीख को ये IPO में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 146 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,46,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 88 करोड़ 96 लाख के लगभग IPO का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 66 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी अगर हम 22 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली जब छोटी कंपनी में, खास करके SME कंपनी में कभी भी अगर ऑफर फॉर सेल आता है तो डेफिनेटली नेगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी थोड़े इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और उसके अलावा कंपनी का ऑफर फॉर सेल भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव यहाँ पे IPO के रिगार्डिंग यहाँ पे नजर आती है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे, तो NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 329 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और अगर हम पिछले साल की अगर हम कंपनी की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 19 करोड़ के लगभग का पैट में ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 21-22 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए मार्केट इसको एकदम पॉजिटिव रेटिंग देगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर लिस्टिंग इनके पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर को अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से अभी मार्केट स्टेबल बना हुआ है, अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे 40-50% से ज्यादा के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। और एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि अराउंड 88 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ का साइज है, और उसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 27-29 के लगभग एक 3-4 हज़ार करोड़ के लगभग का एक मेन बोर्ड आईपीओ भी खुलने वाला है, तो अच्छे खासे लोगों के पैसे वहाँ भी हमें लगते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस जाएंगे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे आईपीओ को डेफिनेटली वॉच करके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको एच एन आई कैटेगरी में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में लगाना है तो उसके लिए भी डेफिनेटली यहाँ पर आप लगा सकती हो। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो मुझे ऑब्जेक्टिव में खास करके कुछ इतना ज्यादा पर्टिकुलरली कुछ अच्छा नहीं लगा है, लेकिन हाँ अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी के मोस्टली चांसेस ये रहेंगे कि 50% से ज्यादा के प्रीमियम पे कंपनी खुलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी हमें ओपन होती हुई नजर आएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी के लिए बचेगा, तो मैं तो इसको डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि जेआईबी लेमिनेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, नाइस डे।